शिवपुरी के वार्ड 29 और 30 में स्थानीय लोगों ने अपने घरों के आगे अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण रास्ते से निकलना तक दुर्लभ हो गया है। सरकारी रास्ता पूरी तरह से सिकुड़ गया है। वहीं कुछ लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण तो कुछ लोगों ने स्थायी अतिक्रमण कर लिया है। लोगों ने बताया कि जिस रास्ते से ट्रक निकलते थे उस रास्ते से कार निकलना मुश्किल हो गया है, और जिस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती थी उस रास्ते से मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल हो गया है। दोनों वार्डों का मुआयना कराकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई की जाए जिससे सभी लोग बाद में अतिक्रमण ना कर सकें। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम इमामी खान। कहाँ रहते हो? सहीसपुरा। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या ये लेके आए हैं कि रास्ता पूरा बंद कर रखा, जीने बना लिए, चबूतरे बना लिए, उसके बाद में चार पहिए ठेले लगा लिए, उसके बाद में ड्रम भी लगा रखे हैं। रास्ता निकलने में बहुत दिक्कत आती है पूरा। कब से ये समस्या आ रही है? इसकी कंप्लेंट हमने जिला सीएमओ को भी दी थी, एसडीएम साहब को भी दी, कोई सुनवाई नहीं है। किसने बना ली? एप्लान भी लगाया, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। समस्या कब से आ रही है? समस्या काफी दिनों से है। आपने अपने वार्ड पार्षद से बोला? पार्षद से बोल दिया। पार्षद के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? कौन है पार्षद? पार्षद कमला किशन। कमला किशन, इससे पहले मदन था देशवारी। तो क्या कुछ वहाँ पे और क्या समस्या आ रही है? रास्ता नहीं है निकलने को, उस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल जाते थे, उस रास्ते से मोटरसाइकिल नहीं निकलती। अतिक्रमण किसने किया है? किसने किया अतिक्रमण? वाले लोग। ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने लगभग? चार पाँच जने। चार पाँच लोग हैं। अगर उनसे कुछ कहते हैं तो गाली गुप्ता करते हैं, और बहुत नीचे लोग हैं, वो तो लड़ने को तैयार हो गए। क्या चाहते हैं आप? अपन चाहते हैं रास्ता क्लियर हो जाए, कोई ऑटो वगैरह निकल जाए, मोटरसाइकिल। कितने फुट का रास्ता? कितना बचा हुआ है? और रास्ता तो पहले काफी था, गाड़ी उससे ट्रैक्टर ट्रॉली निकल जाती थी उस रास्ते से, उससे आज मोटरसाइकिल ढंग से नहीं निकल पा रहे। जिस रास्ते से ट्रक निकलते थे बड़े बड़े, उस रास्ते से आजकल कार नहीं निकल पा रहे। कौन सी जगह है? सहीसपुरा वार्ड नंबर 30 और 29।